नमस्कार, मैं हूं दिव्या रूबरू। बिहार पर आज दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक की बड़ी खबरों को। पीएम मोदी ने तेलंगाना के जगतियाल में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। पीएम ने कहा है कि एक तरफ शक्ति के विनाश की बात करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। पीएम ने कहा कि 4 जून को पता चल जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों को साइबर अटैक के बढ़ते खतरे के प्रति आगाह किया है। सेंट्रल बैंक को आशंका है कि भारत के कुछ बैंकों के ऊपर आने वाले दिनों में साइबर अटैक बढ़ सकते हैं। इस अलर्ट के साथ में रिजर्व बैंक ने बैंकों को साइबर सिक्योरिटी दुरुस्त करने के सुझाव भी दिए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक बार फिर से कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI से कहा है कि हमारे आदेश के बावजूद SBI ने अभी तक यूनिक ID नंबर डिस्क्लोज क्यों नहीं किया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि जब हमारा आदेश इस मामले में पहले से स्पष्ट है तो SBI क्यों डेटा रिलीज नहीं कर रहा है। अयोध्या विवाद के हल में प्रमुख भूमिका निभाने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व अधिकारी पद्मश्री KK मोहम्मद ने कहा है कि काशी की ज्ञान वापी मस्जिद और मथुरा का ईदगाह हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है, यह स्पष्ट दिखता है। मुसलमानों को चाहिए कि इन्हें हिंदुओं को सौंपकर भाईचारे का परिचय दें और इस्लाम के सिद्धांतों को जीत दिलाएं। देश भर में 1 करोड़ घरों को रोशन करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की घोषणा की गई है। इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। डाक विभाग अपने फील्ड स्टाफ के जरिए घर घर जाकर सर्वे करेगा और लोगों को योजना के फायदों के बारे में बताकर मोबाइल एप्लीकेशन पर उनका रजिस्ट्रेशन करेगा। ग्लोबल फायर पावर ने 2024 के दुनिया भर की सेनाओं की लिस्ट जारी की है। 145 देशों की सेनाओं को इसमें शामिल किया गया है। अमेरिकी फौज को पहली, रूसी सेना को दूसरी और चीन की सेना को तीसरी रैंक मिली है। लिस्ट के अनुसार इन 3 ताकतवर सेनाओं के बाद भारत की फौज सबसे ज्यादा ताकतवर है। ग्लोबल फायर पावर 60 फैक्टर्स का एनालिसिस करके देशों की फोर्स के लिए रैंकिंग जारी करती है। मुंबई में इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रैली को बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने भी संबोधित किया। उन्होंने राहुल गांधी को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने पूरे देश में यात्रा की है। उन्होंने कहा कि देश के संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक किया जा रहा है, चुनी हुई सरकारों को खरीदा जा रहा है, ED CBI से डराकर तोड़ा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि जब इनकी सरकार बनी तो अरुण जेटली मेरे पास आए और मुझसे कहा कि राहुल जमीन अधिग्रहण के बारे में मत बोलो। राहुल ने कहा कि ये जनता का मामला है, ऐसे में वो क्यों ना इस मामले पर बोले। तो उन्होंने कहा कि अगर इस बारे में बोलोगे तो तुम पर केस लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हथियार लाइसेंस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को जमानत दे दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शूटिंग प्रतियोगिताओं के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने के आरोप में अब्बास अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बता दें कि शीर्ष अदालत ने 7 जनवरी में जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया था और 4 सप्ताह की अवधि के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। लोकसभा चुनाव में महंगाई की दाल गलने ना पाए, इसके लिए सरकार ताबड़तोड़ कई उपाय कर चुकी है। LPG सिलेंडर की कीमत कम हुई है, पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं और अब दालों के दाम बढ़ने ना पाए, इसके लिए सरकार ने एक और उपाय किया है। केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक के लिए किसानों से सीधे 6 लाख टन खरीदने की योजना बनाई है। इसमें 4 लाख टन कच्ची अरहर दाल और 2 लाख टन मसूर दाल शामिल है। मामले से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी है। एयरपोर्ट पुलिस ने एक बड़े सिम कार्ड घोटाले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक FedEx पैकेज पकड़ा जिसमें प्री एक्टिवेट इंडियन सिम कार्ड्स थे जो विदेश जा रहे थे। इन सिम कार्ड्स को आगरा के मजदूरों के नाम पर थोड़े से पैसे देकर बनवाया गया था और उन्हें वियतनाम भेजा जा रहा था। TOI के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड चीनी नेशनल था जिसको पुलिस लोकेट करने की कोशिश कर रही है। पेपर लीक कांड पर एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा है तो वहीं BJP नेता सुशील कुमार मोदी ने करारा जवाब देते हुए 2023 की याद दिलाई है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि पिछले साल 1 अक्टूबर को जब बिहार में 21,391 पदों पर सिपाही भर्ती के लिए 529 केंद्रों पर परीक्षा हुई तब 100 से ज़्यादा केंद्रों पर नकल कदाचार की शिकायतें मिली थी। 64 मामलों में 148 लोग गिरफ्तार हुए थे। क्या तेजस्वी यादव इसी को प्रतियोगिता परीक्षाओं का स्वर्ण काल बता रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव शक्ति पासवान ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ पार्टी से इस्तीफा देकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का दामन थाम लिया है। हम अध्यक्ष और मंत्री संतोष कुमार सुमन ने इन लोगों को सदस्यता दिलाई है। इस अवसर पर शक्ति पासवान ने कहा है कि हम गरीबों की पार्टी है, ये पार्टी गरीबों के लिए ही काम करती है। संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि इनकी पार्टी में आने से निश्चित तौर पर पार्टी मजबूत होगी।
स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में चीन आज भी काफ़ी मजबूत है, लेकिन इसी मोनोपोली को तोड़ने के लिए अमेरिकी कंपनियां चीन से बाहर निकलकर भारत आईं और मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। अब भारत ने कुछ ही सालों में चीन को उसकी औकात दिखानी शुरू कर दी है। जी हां, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अब हर घंटे अमेरिका को 4.43 करोड़ रुपये के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर रहा है। भारतीय टीम के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के 500 अंतर्राष्ट्रीय विकेट चटकाने से खुश महान स्पिनर अनिल कुंबले ने तारीफों के पुल बांधे हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले एक दशक में इस ऑफ स्पिनर के सामने कई चुनौतियां आईं, वो लगातार सीखने के जज्बे और इच्छा शक्ति से इसे पार पाने में सफल रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के सरगर्मियों के बीच नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इसी बीच एक्टर प्रकाश राज ने देश भर के राजनीतिक दलों पर तंज कसा है। प्रकाश राज ने एक बयान में कहा है कि जो राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतने की बात कर रहे हैं वो अहंकारी हैं। फैसला जनता करेगी, किसी के कह देने से 400 सीटों खाते में नहीं आ जाएंगे। WPL 2024 का खिताब स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली RCB की टीम ने जीत लिया है। टीम ने फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। फाइनल मैच में RCB के लिए गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 113 रन बनाए, जिसके जवाब में RCB ने आसानी से टारगेट हासिल कर लिया। RCB ने पहली बार WPL का खिताब जीता है। BPSC के शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले में झारखंड के हजारीबाग से 270 से अधिक अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की है। अधिकारियों ने बताया कि 14 और 15 मार्च को हजारीबाग में कई स्थानों पर तलाशी ली गई है। इस दौरान पता चला है कि बिहार में कई स्थानों से लाए गए TRE-3 के अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए थे। ET की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार बांग्लादेश को प्याज की आपूर्ति करने के लिए ट्रेडर्स से खरीद करने जा रही है। इसके लिए ट्रेडर्स से 1650 टन प्याज की खरीद की जाएगी। ये खरीद 29 रुपये प्रति किलो की दर से होगी। सरकार की ओर से प्याज की ये खरीदारी नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड करेगी। तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में कार्यरत तमिलीसाई सुंदर राजन ने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की है। भाजपा में एक प्रमुख व्यक्ति विशेष रूप से तमिलनाडु में, जहां वो पहले पार्टी अध्यक्ष थे, सौंदर्य राजन के पद छोड़ने के फैसले से उनके गृह राज्य से आगामी लोकसभा चुनावों में उनकी संभावित उम्मीदवारी का मार्ग प्रशस्त होने की अटकलें हैं। लोकसभा चुनाव का शेड्यूल जारी हो चुका है। इसके साथ ही बिहार में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि कौन प्रत्याशी किस सीट से उतरेगा। ऐसे में सारण और बक्सर लोकसभा सीट चर्चा का विषय बना हुआ है। माना जा रहा है कि बक्सर से सुधाकर सिंह और सारण से रोहिणी आचार्य RJD के टिकट पर उतर सकते हैं। बिहार की एक लोकसभा सीट पर तेजस्वी यादव को गहन चिंतन करना पड़ सकता है। दरअसल इस सीट को लेकर राजद नेताओं ने लालू यादव को एक पत्र लिखा है। इस पत्र से पार्टी की टेंशन बढ़ सकती है। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। रविवार को राजद की विस्तारित बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से राजद की ओर से निर्णय लिया गया कि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन का उम्मीदवार राजद का हो। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने बिहार सहित 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए हैं। बिहार के अलावे झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिव को हटाने का आदेश जारी किया गया है। बिहार के लोगों को मार्च से ही गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि होली से पहले बिहार में बारिश को लेकर पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से बिहार के ज्यादातर जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश के संकेत हैं। तेज हवा, मेघ गर्जन और कुछ कुछ जिलों में वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। 19 से लेकर 21 मार्च तक यानी 3 दिन बारिश के आसार हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा हो गई है और नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव पर बीते रविवार को केस दर्ज हुआ। पप्पू यादव के साथ उनके एक समर्थक पर भी कस्बा थाने में मामला दर्ज हुआ है। पूर्णिया के जिला प्रशासन की अनुमति के बिना पोस्टर लगाकर जनसभा किए जाने से जुड़े मामले में ये एक्शन हुआ है। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार 15 मार्च को हो गया, पर राजनीतिक गुटबाजी से समाप्त होने के बजाय नए सिरे से शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायक नाराज चल रहे हैं और इन विधायकों की एक बैठक साहिबगंज विधायक राजू सिंह के घर पर हुई है। बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 20 से 21 मार्च तक घोषित हो सकता है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2024 की डेट कभी भी जारी कर सकता है। परिणाम BSEB के आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर घोषित किए जाएंगे। जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर, रोल कोड और जन्मतिथि के नतीजे देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिए गए फैसलों के बाद से इलेक्शन कमीशन सभी राजनीतिक दलों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक कर रहा है। इन खुलासों में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल की हुई फाइलिंग में 10 करोड़ रुपए की बॉन्ड का खुलासा हुआ है, जिसमें डोनर की कोई भी जानकारी मौजूद नहीं थी। ये बॉन्ड साल 2019 में पार्टी के पटना ऑफिस में दिया गया था।
बिहार में अवर योजना पदाधिकारी को अब वेतनमान स्तर 8 के तहत आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अभी तक उन्हें इससे एक कम वेतनमान के तहत वेतन भत्ता मिल रहा था। वेतनमान स्तर 7 उनसे कनीय पद धारक के लिए भी अधिसूचित था, उस विसंगति को दूर कर दिया गया है। वित्त विभाग के सचिव द्वारा जारी अधिसूचना तत्काल प्रभावी हो गई है। तमिलनाडु सरकार ने पोन मूडी को मंत्री पद की शपथ दिलवाने से इनकार करने पर राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हुआ। तमिलनाडु सरकार की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस याचिका को CJI चंद्रचूड़ के सामने मेंशन किया, जिसके बाद CJI चंद्रचूड़ ने इस मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई और कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।